guys, welcome to all of you and other exciting videos of unboxing. But before this, subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Today I am going for another unboxing video of Vivo Y series Y12s. और ये मोबाइल 3GB RAM और 32GB ROM के साथ दस्तयाब है और इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स 5000 mAh बैटरी, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है और A1 डुअल कैमरा के साथ ये दस्तयाब है। रैपर को हटाते हैं सबसे पहले और उसके बाद इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। तो ये देखें, ये पहले की तरह एक कॉपी सी दी हुई है। इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। ये इसके साथ इसके सर्टिफिकेट वारंटी कार्ड दिया हुआ है और ये सिम ट्रे के लिए पिन दी हुई है इन्होंने और इसके साथ ये सिलिकॉन का बैक कवर दिया हुआ है। जो ये देखें, और उसके बाद इस डिवाइस को हम थोड़ा साइड पे रखते हैं और इसके नीचे देखते हैं क्या है। इसके नीचे ये 10W का चार्जर दिया हुआ है वीवो का और उसके साथ ये चार्जिंग केबल दी हुई है, फास्ट चार्जिंग केबल है ये 10W की। और इसके बाद हम डिवाइस की तरफ चलते हैं। ये देखें डिवाइस, इसके साथ ये इस तरफ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और ये वॉल्यूम बटन दिए हुए हैं और इसके साथ ये जैक, चार्जिंग के लिए जैक दिया हुआ है, माइक है और ये वॉल्यूम ट्रे है और इसके साथ ये हैंड फ्री के लिए दिया हुआ है और इसके बाद ये कैमरा दिया हुआ है, इसका रियर कैमरा 13 MP का है, ये डुअल कैमरा है और इसके साथ फ्लैश लाइट दी हुई है यहाँ। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 MP के लिए है और ये बिल्कुल स्मूथ टच है। ये देखें बिल्कुल खूबसूरत, इसमें कलरिंग देखें काफ़ी वैरायटी ऑफ कलर्स नज़र आ रही होंगी आपको। और ये मोबाइल आपको बता दें, गेमिंग के लिए ये मोबाइल हाई गेमिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, जैसे पबजी के लिए। तो और इसमें कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी नहीं है और ये 10W तक चार्जिंग हो सकता है और 5W रिवर्स चार्जिंग है इसकी। अब हम डिवाइस ऑन कर रहे हैं और ऑन की तरफ जा रहे हैं डिवाइस को। इसके साथ साथ मैं आपको कवर करवा दूँ, इसकी प्लास्टिक की बॉडी है और जो इसका पैनल है वो भी मैं हमको बता दें। ये पैनल HD नहीं है, सुपर AMOLED HD पैनल नहीं है। साफ ज़्यादा हम इसमें एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि इतने प्राइस में 20,000 या 21,000 प्राइस में हमें ये चीज़ दी जाए। प्लास्टिक बॉडी है लेकिन ये ग्लास की शक्ल ज़ाहिर करती है। ये लाइटिंग आप में नज़र आ रही होगी जो बहुत सारा शाइनिंग और ग्रेसफुल लुक में है। इस प्राइस में इससे पहले डिवाइस इतनी अच्छी लुक में नहीं आई। डिवाइस ऑन हो चुकी है, इसका सेटअप हो चुका है, आपको मज़ीद भी हम आगे दिखाते हैं इसमें क्या क्या। बाकी मैंने इसकी सेटअप कर लिया था, इसका पासवर्ड सेटअप हर चीज़ कर ली थी ताकि ये चीज़ आपको बताने में मुश्किलात पेश ना आए। और इसमें देखते हैं डबल ड्यूल कैमरा है, कैमरे की जो हम अभी इसकी टच बहुत सॉफ्ट है, अच्छी है। ये LED IPS LEDs जो है इसका बहुत अच्छा टच, बहुत अच्छा सॉफ्ट है। सब सारे इसी प्राइस में हम एक्सेप्ट करते हैं, इसकी बहुत अच्छी है और सब ज़्यादा हम इतने नहीं कर सकते, इतने प्राइस में इतना हैवी नहीं कर सकते। अब हम ये इसके टच चेक करने के बाद पैनल IPS है, LED पैनल है जो कि 6.50 इंच तक है। ये इसका डिस्प्ले है जो कि बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया गया है कंपनी की, वीवो की तरफ से। अब हम इसका
थोड़ा सा कैमरा टेस्ट करते हैं और कैमरा टेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं हम, इसकी कैमरे की परफॉर्मेंस हमें क्या रिजल्ट देती है। तो हम इस कैमरे की परफॉर्मेंस में जाते हैं, ये देख कैमरे की परफॉर्मेंस में हम देखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कैमरा है जो कि इन्होंने 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया हुआ है और उसके साथ लेंस 2 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। इसमें हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, एक एक चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन की समझ आ रही है, गहराई तक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखें हम कैमरे का रिज़ल्ट दिखा देते हैं, ये चीज़ देखें ये आपके सामने है इसका। और अब हम आपको विदाउट लाइट में भी दिखा देते हैं कि आपका इस कैमरे का बैक कैमरे का विदाउट लाइट में क्या रिज़ल्ट है, और इसके साथ एलईडी लाइट जलने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें लेट नाइट है, लाइट नहीं है, लाइट के बगैर ही ए फ्लैश के साथ अब इसको हम फोकस करवा रहे हैं। ये देखें हमने एक शॉट लिया है, अब देखते हैं शॉट का क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। ये देखें काफ़ी इंफॉर्मेशन, गहराई तक इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये देखें ये इसके साथ 10 वाट का चार्जेज है और फास्ट चार्जिंग की तरह ही इसे चार्जिंग करता है। ये देखें अच्छी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी नाइट में बहुत अच्छी आई, मुझे जो आई वो बहुत अच्छी लगी। हम इसी प्राइस में एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, जो हम बजट है उसके हिसाब से वीवो ने बहुत बेहतरीन कैमरा 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया। अब हम फ्रंट कैमरे का चेक कर लेते हैं, ये देखें लाइट के सामने आपके सामने रिजल्ट है, फ्रंट कैमरा भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अदा कर रहा है। हम एक सेल्फी पिक लेते हैं जो कि आपको दिखाते हैं कैसा रिज़ल्ट है। ये देखिए परफॉर्मेंस इतनी ख़ास तो नहीं है लेकिन बट बहुत अच्छी है, साफ ज़ार इस प्राइस में हमें यही एक्सेप्ट कर सकते हैं कैमरे का। और इसके अलावा हमें कैमरे में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तमाम ऑप्शन मिलते हैं, पोट्रोज फोटोज़ वगैरह के भी हमें ऑप्शन मिलता है, और इसके अलावा वीडियोज़ 1080p तक हम बना सकते हैं इसमें, मोर ऑप्शन में जाते हैं, लाइव फ़ोटोज़ भी बना सकते हैं, टाइम पेमर वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसको भी कर सकते हैं हम। ये कुछ कैमरे के फ्यूचर्स थे जो मैंने बताए, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल रिव्यू के साथ ही लें तो हम नेक्स्ट वीडियो इसकी रिव्यू कैमरे की बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या रिव्यू। बाकी इसमें जो पबजी गेम है वो नहीं खेली जा सकती, हाँ मीडियम में लाइट जो गेम है उसमें खेली जा सकती है, लेकिन उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस ग्राफिक की नहीं है क्योंकि इतनी इसकी रैम नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये एक डिज़ाइनिंग फ़ोन है, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी बनाई गई है वीवो की तरफ से। ये जो इसका चिपसेट है वो इतना हैवी नहीं है, चिपसेट जो आज से पहले मोबाइल आते थे जो वही चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें जो चिपसेट में एक डिफरेंट ये है कि उस वक्त हमें 30,000+ में ये चिपसेट मिल रहा था, लेकिन अब वीवो ने हमें वही चिपसेट हमें सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपीज़ तक हमें दे दिया गया है। इसमें जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है वो IP का 35 है चिपसेट इसका, जो कि एक बेहतरीन है इस प्राइस बजट में, वैसे हैवी गेम के लिए नहीं है बेहतरीन, लेकिन इस बजट में जो बजट है उस हिसाब से बेहतरीन है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और इसका स्क्रीन देखें बहुत ही क्लियर और बहुत सूप है, इसका टच भी बड़ा प्यारा है। अब हम इसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इसका फिंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस, जो कि वीवो मोस्टली इनके फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट होते हैं, ये देखें बहुत फास्ट है जिस तरह बाकी डिवाइसों के साथ इनका, देखें सिर्फ और टच लेता हल्का सा और ओपन हो जाता है क्योंकि इसके फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट रहते हैं। इसी तरह इनके जो फेस आईडी है वो भी बड़ी फास्ट है, ओके बेहतरीन है परफॉर्मेंस, उसकी भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और इसमें आप 2 सिमें और 1 SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम में, साफ ज़रा उनको ये रखना पड़ना था क्योंकि इसकी SD बहुत कम है, 32 GB से है, इसलिए लहजा से जो आप 256 का इस्तेमाल कर सकते हैं, SD कार्ड लगा सकते हैं जिससे इसकी इस्तेमाल, लेकिन SD कार्ड के लगाने से इसकी परफॉर्मेंस ज़रा स्लो हो जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी का हो। आप भी इस चीज़ में कहते हैं जब SD कार्ड लगता है तो मोबाइल की ऑपरेटर सिस्टम पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है इसको चलाने में, यूज़ करने में। कंपनी को चाहिए था ये 364 बनाते, 3 GB और 64 GB ये बनाते तो बेहतर रहता है क्योंकि इसकी बाकी इसके ये ड्यूल कैमरा है
और चीसा सिर्फ डिजाइनिंग बना दिया है ताकि ये Y20S की या Y20 की तरह नज़र आए। बाकी LED लाइट सेम है, बाकी सेम है, लेकिन कैमरा इसमें सिर्फ ड्यूल कैमरा है 13 मेगापिक्सल, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का लेंस इस्तेमाल किया गया है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दिखा दिया दिखाता है। और बाकी इसमें गेमिंग आप नहीं कर सकते इतनी हैवी, मैंने बता दिया जैसे कि आपको। बाकी ये रेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है जिसका आप बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से मज़ा दे सकती है। ओवरऑल मार्केट में ये आपको 19,800-19,500 रुपये की मिल जाएगी जो कि इसका नवाइस रेट 21,000 रुपीज़ है। अगर आप हासिल करना चाहते हैं डिवाइस क्रीपी बाजार स्टोर से या वीवो स्टोर से मिल सकती है। ये बेहतरीन डिवाइस है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मुझे एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये बहुत बेहतरीन है जिसने सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह देखना है और उसके अलावा इसका कोई यूज़ नहीं है उसके लिए, तो ये बेहतरीन है। और कैमरा भी इसका इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकते लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से वो भी एक्सेप्ट कर सकते। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।